नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से घिर चुके हैं और बौखलाई शिवसेना ने राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि राज ठाकरे द्वारा दिखाई गई तलवार के कारण उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन राज ठाकरे की गिरफ्तारी शिवसेना को डुबो कर रख देगी, क्योंकि राज ठाकरे ने अजान के लिए लाउडस्पीकर पर बैन लगाने की आवाज उठाई है, जो मुख्य तौर पर हिंदुत्व का मुद्दा है। और हिंदुत्व के इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे की गिरफ्तारी उद्धव की पुलिस करती है, तो फिर जनता जनार्दन में राज ठाकरे हिंदुत्व का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। और राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना पर दबाव बनाएंगे। ऐसे में आज शिवसेना ऑफिस के सामने राज ठाकरे की टोपी वाली फोटो लगा करके पोस्टर वार भी शिवसेना की तरफ से किया गया है। कल उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत ने राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी का बोंपू बताया था, और आज शिवसेना ने पोस्टर वार के जरिए राज ठाकरे की भूमिका पर कई तरह के सवाल दाग दिए हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, जिसमें शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने नवाब मलिक के 7 फ्लैट और 148 एकड़ जमीन जब्त कर ली है, जिसकी कीमत कई करोड़ों में बताई जा रही है। उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की ये सारी संपत्ति भ्रष्टाचारों को अंजाम देकर के बनाए गए पैसे से और अंडरवर्ल्ड से कमाए गए काले धन से बनाई गई थी, जिसका अब ईडी हिसाब किताब कर रही है। संजय राउत और नवाब मलिक पर ईडी द्वारा कसे गए शिकंजे से अगाड़ी गैंग पूरी तरह से बौखलाई हुई है। पिछले दिनों ही आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई के तार भी मातोश्री से जुड़ते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सवालों के कटघरे में खड़े हो गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटालों के खेल के साथ साथ एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में आपसी फूट ने भी जन्म ले लिया है। कभी कांग्रेस के 22-22 विधायक दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के सामने उद्धव सरकार के खिलाफ राग अलापते हैं, और महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की हिदायत भी सोनिया माता को दे देते हैं। कभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए अचानक ही उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं, और इस सीक्रेट बैठक में कई अहम फैसले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में लिए जाते हैं। ऐसे में ये तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बीएमसी से शिवसेना को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है, और इसी रणनीति पर उद्धव सरकार को घेरने का काम राज ठाकरे की तरफ से किया जा रहा है। राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए 3 मई तक सभी मस्जिदों में लाउडस्पीकर बैन करने का अल्टीमेटम दे दिया है, और साफ कहा है कि लाउडस्पीकर बंद नहीं हुए तो फिर हमारे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसी क्रम में शिवसेना दफ्तर के सामने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, तो उद्धव की पुलिस ने उठा करके उन्हें जेल में डाल दिया, जिसके बाद शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर गिरती हुई नजर आ रही है, और राज ठाकरे शिवसेना को फर्जी हिंदुत्व की पार्टी साबित करने में जुटे हुए हैं, जो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे को लगने वाला एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी शिवसेना के 25 विधायकों में उद्धव सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त होने का दावा ठोक दिया है, और जल्द ही शिवसेना के 25 विधायकों द्वारा उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने की बात भी कही है, जो अगाड़ी गैंग के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में उद्धव सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटालों के खुलासे हो रहे हैं, जिसमें उद्धव सरकार के दो दो मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं और कई ईडी की रडार पर है, जो जेल जाने की लाइन में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पीएम मोदी के साथ मिलकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ कोई बड़ा गेम प्लान करने की फिराक में है। इसी सिलसिले में शरद पवार कई बार बीजेपी नेताओं से सीक्रेट बैठकें कर चुके हैं। मात्र 2.5 साल में ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन की गाड़ी के
तीनों पहिए पंचर हो चुके हैं और अगाड़ी गैंग की गाड़ी भगवान भरोसे ही चल रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि महाविकास अगाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और बीएमसी चुनाव के बाद बड़ा खेला महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है, जिसमें उद्धव ठाकरे के हाथों सीएम गद्दी खिसकने के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर गिरती शिवसेना के हाथों यदि सत्ता की कुर्सी खिसकी तो फिर शिवसेना का दी एंड होना तय है और उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी में घर वापसी के रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के रूप में रिप्लेस करने की फिराक में है और इसी के चलते बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बीएमसी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा अब राज ठाकरे बनकर उभरेंगे ये तय है। लाउडस्पीकर पर बैन को लेकर के जो अल्टीमेटम एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से दिया गया है 3 मई तक का, उसको लेकर के बीएमसी चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। शिवसेना के खिलाफ राज ठाकरे खड़े हैं और राज ठाकरे के हिंदुत्व वाले मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब शिवसेना को कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो राज ठाकरे की गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद ही शिवसेना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। शिवसेना को लेकर के आम नागरिक की फिर यही राय होगी कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से बेस्ट हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के भी शिवसेना चारों तरफ से घिर चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के साथ गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक हैं वो उद्धव सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव सरकार भगवान भरोसे ही चल रही है और कब कितने विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दे ये कहना काफी मुश्किल है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की तीनों पार्टियों में आपसी फूट पड़ चुकी है। भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले सामने आने के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपनी पार्टी की साख बचाने में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में वो अनिल देशमुख और नवाब मलिक को भी बचाना चाहते हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच की आंच से बचने का प्रयास एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के साथ जो शरद पवार की लगातार सीक्रेट बैठकें हो रही है, गुजरात पहुंचकर अमित शाह से भी शरद पवार मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे को लेकर के शरद पवार कह रहे हैं कि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई जो सीएम गद्दी पर उद्धव ठाकरे को बैठा दिया। ऐसे में इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं शरद पवार कोई बड़ा गेम शिवसेना के साथ खेलेंगे जिसमें उद्धव ठाकरे के हाथों सत्ता खिसकेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे ने मिलकर शिवसेना की घेराबंदी कर ली है। शिव कांग्रेस ने पहले से ही शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है कि बीएमसी या फिर अगला कोई भी चुनाव है वो कांग्रेस अकेले लड़ेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल राज ठाकरे द्वारा लाउड स्पीकर को लेकर के दिए गए अल्टीमेटम पर आपके क्या विचार है? क्या उद्धव सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अभी न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।